Thank you.
Yeah.
मुदर रास्ते के साथ रुक के लेके कलम मोती शर्म कर मेरे लज्जत सागर विच डूब जाके क्या ये इश्क है वास्तोए दर गई रखी मेरे मेरे बेलियो जा इस सिलसिला शुरू हुआ इसका वक्त कर दिते रंगीन मेरे ऐसा सुपर अली अकाना तू शुरू होई आते इस सब चले आवा अपनी सोच ख्याल ना फिक्र कोई पापा अरजाक जी अपनी सोच ख्याल ना फिक्र कोई साजी छेड़िया सास सुनाई तार तार पे बोले सदा
में रखे मुखल बखीना खार दिल में तुम्हें आ जावी कितने हार दिल में क्या हार के खुदी तकबर नु मार दिल में पंड इसका दिलकारी का काली जिस
बच सकता कुछ रखने बगैर ना गान होना ना साथ बजना ये साथ एक ऐसी रंगीनी चीज है ये मुर्दे की तड़पा लेना तो रजा शाह शेर पटे वंशी सही गाना था किताब ऐसी जिसना बात की बाजा की बात
मुसलमान का है तौहीद की जड़ी कुंजी है वो इश्क है। एक शेर इस बैर बैरे तौहीद तबादत नाल फलसफा इश्क ये सारी चीजा शामिल है। बाज औकात इस तरह होना बंदे आने की हम नात नहीं पढ़ी ने जुड़े इश्क इश्क की गचित है लेकिन ये तौहीद का मंजर आप एक शेर तो बाद दो दो शेर सा नातिया फिर पढ़ने आ गए होया क्या ओ इब्तदा जिसकी Yeah.
अल्लाह की मखलूक है
हिंदू सिख ना जाने के मजहबी लेकर जिस उम्मत दाखिल हो वास्ते नबियां दुआवां कीतियां मेरे माल का पैगंबरी नबूवत भी चाहिए असा की उम्मत मुहम्मदी चो पैदा फरमा असा तुसा तेरे भक्तां ने लोग हां कि अल्लाह पाक असा की पैदा फरमाया उन्होंने घर जिन्होंने कहा असा अख खोली तो साढ़े कन्ने विच एक आवाज गूंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह कमाल की बात है और उसकी कर्म फरमाई यही है जिसल आप कर्म कर लगना ना वो फिर नहीं तकना है गुनाकार आए बदकार आए सयाकार उस ये कर्म फरमाई फरमाई कि नबिया आख्या असा की उम्मते मुहम्मदी चु पैदा फरमा लेकिन असा तुसा वक्ता ले लोग जेड़े सरकार ने उम्मत चु पैदा हो तो कलमा गो ने कर पैदा हो आवाज दी उस नबी का जिक्र खैर है चंद शेर बतौरे हादली अगले मैदान बड़े सोहे मैदान कुछ तक पुराने जड़े ना अपनी अपनी तकनीक इस्तेमाल करने और तकनीक को इस्तेमाल उसी ये बावे की आए ना तो को इस बावे की पजी मुंडी भी कहीं पढ़ने बनी सकती है पैर फूकी फूकी तो रखना पैसे बचत बचत करी तो सट मारनी पैसे अपना आप नहीं बचाना पैसे बात यही है चस्का कलाम है तू दौड़े दौड़ा अपना रंग चस्के चापड़ा शेरा दोस्तों बहुत बड़ी शहादत है बहुत बड़ा शर्फ है सरकार राजा साहब फरमाया भाई नबिया भी अर्जा की थी हजर मूसा सलाम पैगंबर है ये लास्ट मैं पैगंबर ही नहीं चाहिए मैं आखिरी नबी का उम्मती बना मेरे दोस्तों आ गई उसना नूर उसनु कह के साढ़े भी बशर से आखे इंसाना गैरत का कुछ सोच कोई दरूदे पाक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नूरुन मिन नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुन मिन नूरल्लाह अल्लाह पाक फरमाना मेरे नूर च नूर है लेकिन क्या लबादा इंसानी एक खाक में एक पर्दा है ये बड़ी दूर की बात है ये बड़ी बारीकी की बात है मेरे दोस्तों आ गई शहर की कर्ज कर रहा ओ इबरत इंसान भाई इबरत इंसान जेकर होवे इंसान
करसा मैं कोशिश करसा कि इख्तलाफी नुक्ता ना पेश करा जेड़े सरकार की नहीं मन्ने ना वो उसने हथा च कमान है वो आप पूछ के सी नहीं सारे आखरी रात उन्होंने दिल बदल नहीं सकते क्योंकि अल्लाह नबी की फरमाया नबी तेरा काम पैगाम मेरा पहुंचाना अगर किसी ने दिल की कैफियत को बदला ना बदला इमारत का देखो दो उम्र से एक उम्र खताब बन गया एक उम्र अबू जहल बन गया उसने पैदल सफर करी करी लोग जाने सन असा भी तकिया पिछा जे हूं मोबाइल फिर भी एक चीज कि नबी ना एक गुस्ताख सा जिसना अंजाम इतना बुरा आया कि इबरतनाक सजा मिली और खातर उस दो जहान बनाए उसकी शान इसको गुस्ताखी करे तो गुस्ताख इस दुनिया पर रह ये गल कद भी नहीं हो सकती लिखने वाला लिखना सरकार निशान लेकर बयान कर सा बड़े बड़े कातब बड़े बड़े मुफस्सर बड़े बड़े मुबल्लग बड़े बड़े तकरीरा कर लाले वो सरकार निशान दी इकबाल दी शान दी बयान कर सके पर रूह की ताजा करने वास्ते ईमान दी बैठ विचार करने वास्ते दो गल्ला कर सा आने सब तो पहले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फरमाने या रसूलल्लाह इस खजूर ने दरख्त की टेक ला के गल सुने सारा नवाज घट गई सरकार तकरीर कर रहे सन मस्जिद नबी विच एक खजूर ना दरख्त सा उसने ना सरकार टेक ला रहे सन तखताब कर रहे सन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला फरमाने या रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो असा मिंबर बनाई है तुसा तशरीफ फरमाओ आपने इजाजत दे दी दोस्तों तको इतना असा इंसान हाँ नात शुरू है कई बार गाइया तो मंजिया ने सौदे सब कर रहे हैं पे अस कोई नहीं पता होना असा कह पुजने पे कह पाने पे कोई जिक्र किस तरह छिड़िया वा असा कह करने पे अस कि नहीं पता इस गल हूँ आओ सुनो सरकार निशान कह जाए कि नबी जिसल पहले दिन उस खजूर ने दरख्त वो ठीक है मिंबर पे बही कह तो तकरीर शुरू कर रहे थे चीखा की आवाज शुरू हुई रौन की आवाज शुरू हुई उस दरख्त निकली नबी उठे कोल गए उस दरख्त ने खजूर ने दरख्त ने कोल गए उसे चु एक आवाज आई या रसूलल्लाह मैं बख्तान सा जिसना जिसमें अतर मेरे नाल मस होना सी आज मैं इस जुदाई की बर्दाश्त न कर सकिया कि तुसी मेरे नालू हट के मिंबर ते बह के तकरीर कर रहे हो पे उस दरख्त च रौन की आवाज आई तो सरकार शफकत ना हाथ फेरिया उस दरख्त पर शफकत ना हाथ फेरिया रौन की आवाज बंद हुई जिसने पर नबी हाथ फेरिया वो ना सड़िया तो ना बलिया वो मस्जिद नबी ने सह नहीं दफन होया वो दरख्त भी नबी ने सह नहीं दफन होया उधर फातिमा तो जरा जनाब की बड़ी प्यारी बेटी एक दिन रोटियां लाने पैसे नबी आए तो बड़ी मोहब्बत कर रहे सन बेटी नाल जिस वेला फातिमा तो जरा आने सन तो नबी खड़े हो जाने सन असाबे रसूल फरमाने या रसूलल्लाह ये तुम्हारी बेटी है तुसी इतराम विच क्यों खड़े हो जाने हो नबी फरमाने ये वो बेटी है जिसने बतन विच ऐसे फुल नमूदार सन जेड़े मेरे दीन या बियारी कर सन क्या होया फातिमा बेटी प्यारी रोटियां ला के तन
दूर ना तो नबी मुस्कुरा के क्या फातिमा बेटी है कि ये पेड़ा जिसके साने आए मेरी भी दे ते रोटी ला मैं तो जनाब ने एक रोटी लाई तंदूर नाल सारिया रोटियां पकी गई ओ ना पकी फातिमा तजरा ने फिर बालन पाया उन्हें आख्या कोई सकना बालन घट है तो रोटी पकड़ी नहीं पी तो जिसल बालन पाया तो सरकार मुस्कुराई तो नबी दर तकी आखे अबा हजूर तुम क्यों मुस्कुराए हो आप फरमाने फातिमा तू क्या कहनी है रोटी कच्ची है पकी नहीं बालन पाने नाल पकी जासी है जी यही गल है नबी फरमाने बेटी इसकी कमली वाले ने हाथ लगे गए इसकी दोजख की आग भी नहीं पकाई सकती ना सारी सकती इस कमली वाले ने हाथ लगे गए इसके ये उस नबी ने जिक्र खैर शुरू आ पिया तो लिखने वाला लिखा कभी खजाने को खुलता ना किस
किसी और जबान में बोलता ना, वो आपा नाल कुरान गोया, वो जहान गया पैदान गोया, अगर आप लोगों के नाम बोलते करना चाहना कदम महसूस न करा वो शायर जिन्हें लिखा मैं नाम ही पता कुना लिखा अगर आप ना होते ना हम होते बल्कि आख्या कमली वाले अगर आप ना होते कुछ भी ना होता कोई शायर किसी का ना सूरज ना चंद ना तारे ना जमीन ना आसमान ये सारा कर्म है तुम्हारा आका जो बात आप तक बली हुई है ये सारा कर्म होना है। और मैं दो गल्ला करना चाहना नातने वाले ना चलना चाहना कुरान आखना एक अमीर आ एक गरीब आ दोस्तों आजकल जिसने को 2-4 करोड़ रुपया वह वो अमीर नहीं मतलब कोई शक करे 2-3 कोठियां या वो अमीर आ अमीर होया जिसना हर मुर्दा च बाल इस दौर ना वो कारून भी आ वो नमरूद भी आ मैं खुले नफ्जा चे गल आखना है वजह यह है ये बाहर जे माल बनने ना जिन्ना ने भी बने ये गरीबा ना खून चूसी चूसी बने ये मजदूरी करने वाली बने ना इतना बटे लाने लाल बनने ये इतना बटे आने लोग सवेरा खाने शामी तक रहे आसी या ने आसी हूँ कुरान निकाल तो स्वती सुनाना है 2-4 करोड़ ला इस दौर इसको ही अमीर ने वो गरीबा चे आ हजरत सुलेमान पैगंबर सारे तो अमीर पैगंबर सन कुरान आखा एक गरीब की जन्नत मिलनी एक अमीर की भी नसीब होनी ते अमीर गरीब तू 500 साल बाद जन्नत ही जा सकता 500 साल बाद मैं कदा कदा सुना मैं आख्या ये जे अपर बैठे गए इन्होंने वास्ते तो आया और क्या मत लग सी इन्होंने नंबर आज नहीं है सुना क्योंकि इन्होंने को बाहर नहीं हटाया बाहर तो यही है करने आने के नबी निशान तक इस दौर च एक मैं शेर सुना आया पाए असल जी ये नुस्खा भी आ शेर ना शेर भी आ नात ना शेर तो नुस्खा भी बड़ा पाए चंगा आ कुछ यरकान हो ना कुछ आना यार मिकी यरकान हो मूलियां टंगी दिखाया ये ठंडी चीज पिया ये ठंडी चीज पे आता की हो जाना वो नुस्खा उसकी दसना हूँ लोगों की रात की नींद ज्यादा तर आराम होगी कई बेशुमार फके गोलियां ने मारने तो नहीं असली लाइन कल भी सुकून नहीं मिलना पे हूँ क्या इस वास्ते एक नुस्खा दसिया किसी शहर शहर है आया चलो ने
बुजुर्ग गल दसने से कि बावे लाल शाह सुरासी आले कोल अयूब जहां बादशाह सा ना सदर अयूब जुतियां लाई ते जाना और सा ते सिरा पर चाई ते जाना और सा उस जमीन पर दाखिल होना सा उस आते दाखिल होना सा ते जुतियां लाई छड़ना सा पैरों लगा जाना सा बावे लाल सुरासी आले कोल हुण ए बादशाह सा वक्त ना वो तो मजदूर ते फकीर बैठा सा क्योंकि वो आशिक रसूल सी इस वास्ते उठा जुतियां लाई ते बादशाह भी जाने सा तवाज दीती दावेदारी गुजर होया हर शह महक गई दोस्तों शायद सुना बड़ा अच्छा जा ख्याल आख्या फुला विच मेरे दोस्तों फुला विच उसन जी मैक गौरी अधूर तारीफ तको ये मेरे दोस्त हैं अबीब साहब जेडे लंदन च रहने ये उन्होंने दो शेर जनाब ने फरमाइश को पढ़ सा उन्हें फोन का भी क्या सीन भाई तुसा दो त्रै शेर मारे फरमाइशिया पढ़ी सकिया उन्होंने भाई आलमगीर साहब अज साहब उन्होंने फरमाइश ते शेर जिड़िया अज फिर उठिया इन्होंने गलों पर गौर कर रहा है
نبی نے آن نال جڑیاں چیزاں ختم ہو گئیاں آج انہاں پھر سر اٹھائے ہوئے آج بچے بھی زندہ در گور ہو رہی ہیں پیاں قتل و غارت گری نے بازار گرم ہونے پہ نہ جانے ایک بتا کہ کئی نے خون کری سٹنا پیا بس اے اللہ پاک نہ کرم ہے سرکار نے صدقہ دکان پڑھنی ورنہ نہیں ایک دو شیر اسا پھر اگلی منزل پر جا سا وہ اس طرح مدینے پاک نگاہ کرنے ہو ایک آل عرض کرسا سرکار میں قول مبارک کی عرض کرنا چاہا ہے نبی فرمانے جس میرے روزے پر حاضری دیتی جہنم نیا اس تو آرام ہے اور جس میرے روزے نو پیار نال تکیا کل قیامت والے دن میری شفاعت اس کا لازم ہے ہن جہنم نیا آرام ہے خالی روزے ہی تکنا نال پیار نال تکن نال سرکار دی شفاعت لازم ہو گئی پیار نال تکنا تو ویسے تکڑے ہی فرق گیا اسا تساں اللہ جس کی توفیق دینا لکھن حساب لائے کہ آج کان جانے ہیں عمرے کر جانے ہیں کئی لوگ سالوں سال جانے تو ساری اور نہیں موقع دینے آہنے اسا ہی آج بڑھا چاہیے تے ہیں ایک باری آپ کو کریا ہے دو باری کسا غریبا کی بیجی ہے پر یہ نہیں کم کرنے آن آج لوڑا چاہیے لال ویسے سرکار فرمایا ایک باری اگر بندہ پیسے اللہ تو اس نے پر لازم آ باقی پھر کو نہیں بات یہ ہے کہ اسا آج تے عمرے کری مڑنے ہاں کوئی بندہ گارنٹی نہ لاکھی سکنا ماں آج قبول ہوئی گیا عمرہ قبول ہوئی گیا جی میں بڑے پیسے لائے سے کوئی بندہ گارنٹی نہ لیا کی سکنا لیکن نبی فرمانے جس بچے بھی جس انسان بھی اپنے والدین نے چہرے کی پیار نہ تھا کیا اس کی مقبول آج نہ سواب آئے سکانا ہے قبول شدہ نہ پیسے لاؤ نہ اٹھا جاؤ نہ طواف کرو ایسے بدوائے ہونے کئی ساری زندگی جناب روز ایک روزہ لیتا ساج کرنے کے یہ بختہ نہیں بات ہے اس واسطے ہے کہ میں قربان دنیا
चीन दुनिया क्या होया I'm not afraid to die.
कोल दूधे बैठे हुए सफर मलूक ना मैं पढ़ी सकना अगर इजाजत है मैं ज्यादा देर ना लड़ा ज्यादा देर शेर सिर्फ एक बोल चूंकि दूधे बैठे हुए तो मैं मियां मोहम्मद साहब ने एक बोल याद आया वो मैं पढ़ना तो उस तो बाद असर शेर जाने मैं आज शेर मिला Thank you.
चर्चे होने सन, शेरा लित्रा खाने सन, भाई पसलेटे भी चमारना साजा ने आपू निकली जाना दसा कि उतना पलाई पलूई चला जाना। हूँ तुसा ने पेशे खिदमत थोड़ी देर वास्ता कड़ा नवाज आखो, ढोलक नवाज आखो और तंजो मजा ने रंग जिस तरह भी आखो। अरफ साहब साढ़े नाल आए हुए, जवानी भी तक से धूल भी तकी करो, जिंदगी ना पता नहीं होना बिश मिला। इसने कोई शक नहीं मेरे नायक साहब ने कदर जनाब राजा अब्दुल हुसैन आह्वान करा और मेरे नायक साहब ने कदर भाई अब्दुल रज़ाक साहब मेरे दोस्तों बहुत प्यारे शेरफान जिन्हें साडे पटवार ने सकाफत की ना बड़िया बुलंदियों पर खड़े और मेरे दोस्त अपने अपने साथ बैठे के तो मेरे दोस्तों गल सड़िया ने बजा फरमाया कि मैं सरकार सराय गार्डन कॉलेज तालीम हासिल करने से तो मैं इन्होंने घड़ा बजाया। हूँ क्या साहब आप भी लाइक करो कि राज साहब ने सिरे के बाल थोड़े थोड़े गए कदे तबाही हूँ तकरीबन 70 साल उम्र होगी तो मैं जी गल परवाही ना बिल्कुल बजा आई कि अल्लाह पाक ने इतना फजलो करम सी कि अपने के उस्ताद की दुआ सी उस्ताद की खिदमत करके मैं कड़ा सीखा तो शेरखाने चैलन जन साहब एक करी पढ़ी अगली ना पढ़ देना और नहीं पढ़ दी और मेरे छोटे अजीज साढ़े तू बहुत बड़ा ताल तो मैं मेरे नायक काबले कदर मैं कदा गली आने जड़े ने ना ग्रां जनाबी के बिचे जनाब हो जा सी असला तो खाई मैं नो शाड़ जी मकासा मेरे नायक काबले कदर जनाब खास तौर जे ये गोरखपुर तू तशरीफ ला के आए राजा मस्कीन साहब और जनाब अब्दुल साहब और जनाब मेरे नहत काबले कदर जनाब राजा आशिक साहब तशरीफ फरमा ने और मेरे काफी दोस्त भाई असलम साहब और जिन्हें जिन्होंने भी ना से बाद टाइम में बुढ़ा बंदा या जहर के ना चले गए बहर मैं एक दो गन्ना जनाब की खिदमत में पेश कर सा उस तो बाद संगियां एक फरमाइश की थी राज साहब को एक शेर आई भाई सब तो पहले मैं गाले पेश कर लगा हम जाइया अंताज है भाई वड़की वड़का मौसम बाहर सी मेरे दोस्तों जने ने ना सा गलामा पुराने वक्त ने ना सा ना तो बीवी ने ना सा केड़ो जवानी ने रूप सा एक दूए नाल प्यार हो गया प्यार वधने छत तक नौबत गई भई अल्लाह कीता उन्होंने शादी हुई गई खेड़ो मंजी ले गया तो दोस्तों के होया ए प्यार बदना रहा बदना रहा बदना रहा आन मौसम बहार खत्म हुई मौसम खिजा दम मारे जैसा साड़े पर मारी गई उठा मलक सदीक मारूम ने खेरा मेरे दोस्तों गौर कर सोए इस टॉपिक से गल आ गई और लिखने की अब अल्लाह यहां में माफी होगी देंदे हो रही है खूब पंगूड़ियां में दूजे दिन अज तू आने में नजर पैंदी नजरी नु पांदा रंगा गूड़ियां में ओ तीजे दिन जवानी जे मोड़ अंदर बा सोप दी कच दी चूड़ियां विच पंजवें दिन फिर नखरे आधार करदा बंदा पैदा नहीं संगा संजूड़ियां विच जवान हो गया छेवें दिन दिन पिछले याद आंदे उम्र दाखल होंदी जदू बूढ़ियां विच सतवें दिन सत जिंदगी दा खत्म होंदा सुट दी जाके बसीरत दे नूरियां विच अठवें दिन गल मलक जी मुक जांदी लाश रुल जांदी गुजरां कूड़ियां विच जिस तरह जने झाण आले की फालिज पई गया गला मौदा ही
ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਚਰਪਾਈ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਿਓ ਬਰਾਂਡੇ ਚ ਡੜੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਤਿਆ ਵਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜੰਗਾ ਪੁਰ ਕਰ ਸਕਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਕਾ ਨਾ ਫਿਰੀ ਸਕਾ ਉਹ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਬੀਵੀ ਇਤਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਵੜ ਗਈ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕੰਡੀਅਰ ਪਾਸੇ ਖਾਰੇ ਛੁਰੀ ਕੀ ਜਾਖ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਾੜੀ ਕੰਡ ਖੁਰਜੀ ਗੋੜੇ ਬਹੁ ਫੁਰ ਗੋਣੀ ਪਈ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕੀ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਡਾ ਚੁੱਕ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਾਂਸਾ ਦੀ ਬਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸੱਤ ਪਟਕਾਰ ਪੱਟੇ ਫੁਰ ਕੇ ਮੱਛੀ ਵਾਏ ਜਾਈ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾ ਜਨਾਬ ਬਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਰੱਖਣ ਮਾੜੀ ਜਨਾ ਕਿਆ ਯਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨਾ ਬਾਹ ਪਿਆਈ ਦੋਸਤੋ ਸੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅਸ ਨਾਲੋਂ ਮਿਕੀ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੋਈ ਗਏ ਕਬੀਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਟਕੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲ ਫੇਰਾ ਜਨਾਬ ਰੋਵੇ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲ ਫੇਰਾ ਤੱਕ ਹੈ ਵਾ ਮਾੜੇ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਬਾਰੀਆਂ ਰੋ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਈ ਸੋ ਵਾ ਮਾੜੇ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਕੇ कितना भी कूड़ कपड़ी है रोज जमराती चलिया हफ्ते बाद जमरात दसनी मैं रोज जमराती करासा उसे क्या कर से हर जमरात का क्या कर से बुजुर्ग कुकड़े ने भुख लगी से कुकड़ खाने हो जमराती भी नहीं लगा जरा तू इसने नशर करनी पी जे गैरत लगा जो जमराती भी नहीं छोड़ लगा एक और सुनो आए बच्चा होना सर मतलब मैं एक शेर संगियां दी ख्वाहिश मुताबिक मेरे दोस्तों वाह किसा क्या इश्क द्वारा तेज रंगा पावे दाढ़ी हो जाती इश्क द्वारा काला रंगा पावे दाढ़ी हो जाती वो मर्शीदा बंदा इया मेरे दोस्तों वरना जा शेर पढ़ सा मैं उम्मीद रखा कर लुक बंदो दोस्तों और दाद रसीब कर सो ओ सदके नबी जी माफ अता करे ओ
थोड़ा जा खुला मैदान मैं माजरत नाल ये गल आखना हां के थोड़ी जी माड़ी तबीयत च ये गल थी मेरे नाल कोई भी वैर जिसल मैं तकड़ा के ढला मठा होया फिर मैं थोड़ा जि चुका मारने की कोशिश करना तो बुजुर्गों को लेकर आए तो बादल चाड़े आप पेश की क्योंकि मैं जिसल तकड़ा ना मैं हूँ ढिला मठा कम होया वा फिर मैं चुका मारना है तो चुके नाल ये होना बंदा ताजा हो जाएगा है जी मोहब्बत है इश्क दी गल तो मोहब्बत है प्यार नाल हो सब तक
तुसा दिया दुआ जेड़े रंग लाए ना वो तो सच पता लाई गया जेड़ी दुआ मंगने से तुसा सारे वास्ते कुरैशी अनवर साहब ना शेर आ कुसै आम शायर नामी उन्हें आख्या ओ भाई आजाद जी देखी अजब तासीर दुआ दी में See you in the
ਅੱਜ ਹੁਸਨ ਓਏ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਛੋੜ ਜਾਣੇ ਕਸ਼ਤੀ ਬਹਿਰੇ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਜਾਣੇ ਉਹ ਰਾਤ ਡੋਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਜਾਣੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸ ਹੁਸਨ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬੇਲੀਆ ਹਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਕਲਮਾਤ ਇਹ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਵੇ ਬੁੱਢੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਰਮਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਏ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਖਾਈ ਲਾਈ ਵਿਆ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੀ ਅਨਾਇਤ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਗੱਛਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾ ਤੇ ਖੱਟਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲੀ ਗਿਆ ਪਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੁਮਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੋਈ ਲੂਣੇ ਨੀ ਖਿੱਟੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਤੇ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮਨਕਲ ਮੌਤ ਸਿਰਾ ਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਵਾਰ ਕਮਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਣੇ ਮਨਕਲ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਖੱਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੀ ਖੱਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਸੀਧਾ ਚੀਰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦ
से तू अंदाज फसाने सखाया से तेरी याद लेके चमन थी बुलबुल अंदाज ना गई क्या सफाई दिल थी मिट गई यार शहर पर गुजर गई उम्र तुसा पुछया ही नहीं एवें मुहब्बत ते प्यार ने दावे होने पे एवें गिले शिकवे पूरिया सारा जे कुछ पुछवे करने रहे हैं तो कुछ दावे दाव तखन शुरू है ना बाबा जी तेरी खातर मैं सारा जहान छड़िया ओ मलिया कुफर ते दियो ईमान छड़िया हर कोई अपने ते बेगाने छोड़े ओ खातर तेरी मैं सब यारा ने छोड़े
तेरी याद मैनू राती जागरियां ये मुकद्दमा ही है निशान है।
घड़ी पल कोई नहीं गया सुनना सुख
बिस्मिल्लाह। माड़े पापे की फरमाइश है, बड़ी सोहनी फरमाइश है, जे संगीत सारे नाल विछड़ी गए तो टुरी गए उन्होंने यादा में फरमाइश है। मैं इस फरमाइश तो बाद एक नवे अंदाज की एक गल सुनाई सकता ससी ने, तो फिर अगर जिते तुम्हें चाह तो सी तो ठीक है, वरना इस ग्राएं इस ग्राएं में वाकई करबला सुनिया जाए। मैं दावे नाल आखना और मैं लोगों की यह गल आखना होना है महफिल खुदा ने बंदे सारी रात बैठे रहने हो, बाकी सारे शेर सुनने रहने हो, जिस करबला ने जिक्र होना तो चादर चाहे तो नसी जाने हो। लेकिन यह गौर नहीं करने के करबला ले ना होने तो आज मुसलमान का लाल ना हाथ ना रखने से, चूंकि सारे पापिया की फरमाइश है कि मेरे भरा सारे मुहब्बत कर रहे सारे, मैं इस ग्रह कई मरतबा आया, ये समझो सारी फैमिली मैंबर है, जाना ने भी यादा में एक शेर आ और बड़ा सोहना शेर आ, इन्होंने फरमाइश है मेरे मुहब्बत वाला शेर आ, शेर किस तरह आ मुलाकात हुई रहन बहन लग गया, कोई महीने नहीं छुट्टी गया, त्रै चार महीने गुजरी गए, तो बादशाह ने अपने वजीरां नूं बोलिया जाओ मेरे शहजादे की गल क्यों
ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸਬੇ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਪੁਲੂ ਖਾਨ ਦਰ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਰੁਕੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲੂ ਤੱਕ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀਤਾ ਪੁਲੂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਭੇਜਿਆ ਪੁਲੂ ਆਖਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਠਵਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੱਸੀ ਜ਼ਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਸ਼ੀਰ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੁਨੂੰ ਖਾਨ ਬਾਪ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤਲ ਕਰ ਸਕ ਆ ਕਰਦੇ ਸਰ ਪੁਨੂੰ ਹੱਸਿਆ ਬਾਪ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ਕਾ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੱਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਬੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਪੁਨੂੰ ਖਾਨ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤਾਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਸ ਸੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਸ ਸੱਸੀ
चंगा यारा दी यारी का भरम रखिया
रस्म सारी वो तेरे मुझको ने निछड़े मनोदार आख्या नवे दौर नवे दौर नवे दस्तूर देखा वो पूछा हूं मैं अपनी सनार वो बनिया तेरा तमाशा कबाई साड़ी मैं अजीजा ने फरमाइश है लेकिन इस पक्के जे शेर फरमाइश करी सकते हैं पर जैसे ने माहौल नहीं बल्कि कुराशी तो सामने नाल लिखा हुआ तो शेर इतना टुकसी कुराशी ब्रदर्स घोड़ा लोहारा नायक तारक कुराशी शहजाद कुराशी मुसाउद कुराशी यासर कुराशी जावेद कुराशी शाम कुराशी नूर कुराशी शहीद कुराशी घोड़ा लोहारा ड्राइवर खान साहब मोहम्मद फयाज पिंड चटला कामरान कुराशी हाजी रजा कुराशी जमील जानी चौधरी सदत सिदत और आल मकीम सऊदी अरेबिया जी रियाज होने इन्होंने फरमाइश हूँ बिलखसूस मेरे भाई असलम साहब की फरमाइश भाई आशिक साहब की फरमाइश नंबरदार स्टोकने जो अनायत साहब है उन्होंने फरमाइश भाई यूसुफ साहब की चाहत है और रशीद साहब जनाब अब्दुल साहब रहीम साहब ये सारे सारे भरा है इस दूल्हे भी शामिल है शेर तो बाद ना ही वाकई करबला में चला गया तकरार है तकरार हुसैन और नमाज के दरमियान नमाज कहनी कि मेरी आफादियत तफकियत ज्यादा ही है इमाम अली मकाम कहने नहीं तेरी आफादियत और फजीलत जड़ी है मेरी पाबंद है और मेरी मर्जी नाल तेरी फजीलत और फजीलत है बस तमीज तकरार ने दौरान होना क्या मेरे बेलियो एक दिन पढ़न नमाज सुल्तान लगे अगे रब दे मोहब्बत लाचार होए वो गिरे हुसैन के
सजूद होए नमाज की कैफियत गए और ओ नबी जे दो जहान ने मालिक है हुसैन छोटी उम्र जी सरकार ने पुष्ट पर सवार हो नमाज नु आर्डर किया है नमाज हूं तू अपनी मर्जी नाल सजदे च उठ और मेरी मर्जी नाल सजदा होसी और तेरी मर्जी खत्म हो गई नबी पाक ने सुभान रब्बी अला करना शुरू किया जिसने करना शुरू किया पशमानी भी हो गई कि नमाज तवील होनी पई हूं